you use the best hair care products had the best shower experience and then you brush your hair and this is what your hair end up looking like this is the sign to stop following the straight hair care routine and give your waves and curls the love and care that they deserve so in today's video we will be talking about the reasons why your hair is forever frizzy and how to take care of them properly <music> एवरी वन इन माई फैमिली हैज ब्यूटिफुल कर्ली हेयर एंड आई एम श्योर इट इज द केस विद मोस्ट ऑफ यू बट बचपन से ही ना हमें एक वो स्ट्रेट हेयर केयर रूटीन फॉलो कराया गया शैम्पू मे बी कंडीशन आर हेयर एंड देन ड्राई योर हेयर एंड आफ्टर दैट वी ब्रश आर हेयर बट दैट इज नॉट हाउ यूर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर वेवी एंड कर्ली हेयर वी ऑल हैव डिफरेंट हेयर फॉलिकल्स तो हमारे हेयर फॉलिकल्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके पास स्ट्रेट होंगे वेवी होंगे या कर्ली होंगे हेयर फॉलिकल जितना कर्ली होता है उतने ही टाइट हमारे ल पैटर्न होता है नाउ इफ यू आर स्ट्रेट हेयर तक ट्रैवल नहीं कर पाते आसानी से एनहेंस आर हेयर टेन्स टू बी मोर ड्राई एंड फ्रीजी एंड नाउ वो ड्राई ब्रश योर हेयर तो आपका कर्ल पैटर्न ब्रेक हो जाता है एंड द एंड ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा फ्रिजी नाउ दैट वी नोट वायर हेयर बिहेव्स बिहेव द वे दे बिहेव लेटे टॉक अबाउट हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम प्रोपरली नाउ इफ यू हैव वेवी हेयर और यू हैव कर्ली हेयर दिस इज द रूटीन दैट यू हैव टू फॉलो पहला स्टेप होगा प्रीपू और प्री शैम्पू तो आपको अपने बालों को शैम्पू करने से पहले भी हाइड्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा चाहे आप एक अच्छा हेयर मास्क यूज करो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है बट इफ यू हैव टाइम इन योर हैंड यूज अ गुड हेयर ऑयल आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो अपने बालों के लिए आई प्रेफर यूजिंग रोजमेरी ऑयल क्योंकि वो ग्रोथ के लिए अच्छा होता है यू कैन यूज कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल वट एवर यू प्रेफर इफ पॉसिबल थोड़ा सा अपने अपने ऑयल ऑयल को को वार्म वार्म कर लेना ल्यूक पे अच्छे से मसाज करो थोड़ी देर के लिए एंड ऑल्सो ऑयल टू द एंड द ऑफ योर हेयर मसाज योर हेयर फॉर सम टाइम एंड उसके बाद लेट इट स्टे फॉर टू टू थ्री आवर्स और इवन ओवरनाइट इफ दैट वर्क बेटर फॉर यू दिस विल नॉट ओनली नरिश योर हेयर बट ऑल्सो क्रिएट दैट एक्स्ट्रा लेयर ऑन योर हेयर ताकि जब आप शैम्पू करते हो तो आपके जितने नेचुरल ऑयल है वो सारे स्ट्रिप ऑफ होकर आपके बाल और ज्यादा ड्राई ना हो जाए नाउ स्टेप टू इज इन द शार विच इज शैम्पू एंड कंडीशनर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप अपना शैम्पू या कंडीशनर चूज कर रहे हो हैज टू बी दैट ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट शुड बी सल्फेट फ्री सिलीकोन फ्री एंड पैराबिन फ्री ये सारे ही इन्ग्रीडियंट आपके नेचुरली टेक्सचर्ड हेयर के लिए बहुत खराब होते है बिकॉज दे एंड अप ड्राइंग योर हेयर इवन फर्दर एंड वो बहुत ज्यादा फ्रिजी एंड अनमैनेजेबल हो जाते हैं इट इज ज वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू गो फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर स्पेसिफिकली मेड फॉर टेक्सचर्ड हेयर जस्ट लाइक दिस न्यूली लॉन्च ब्रांड ट्रूथ एंड हेयर सो दे प्रोडक्ट्स डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर टेक्सचर्ड हेयर आपके पास स्ट्रेट है वेवी है या करली है सारे ही टेक्सचर्स के लिए इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है आई चोज द डू फॉर वेवी हेयर बिकॉज क्लियरली आई है्यूटिफुल वेव्स इन माई हेयर एंड ओ माई गॉड आई एम इन लव विद दीज प्रोडक्ट्स टू से द मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे से एक रील में भी शेयर किया है काफी सारी स्टोरीज में भी शेयर किया था and i don't know how long i have been raving about these products with my broadcast fam but i really wanted to share it with my youtube fam as well i love the color the packaging everything is so cute aesthetic and travel friendly so obviously the next step will be shampooing our hair and today i'll be using the truth and hairs nourish shampoo for wavy hair this is a very very creamy consistency and has a beautiful fragrance this cleanses the scalp beautifully but does not strip off the natural oils एंड में बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करते हैं नाउ आई प्रेफर टू शैंपू जस्ट माई स्कैल्प एंड जो लादर क्रिएट होता है वो ही ग्रेविटी की मदद से नीचे आते आते मेरे एंड्स भी क्लीन कर देता है एंड ज्यादा मेरे बाल ड्राई नहीं होते बट दिस शैम्पू डज नॉट हैव एनी सल्फेट वॉट सो एवर इट इज अ रियली गुड एंड हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट इसके मेन इंग्रेडिएंट है हाइलोरॉनिक एसिड एंड क्लाजिन तो अगर आप अपने एंड्स को भी शैम्पू करना प्रेफर करते हो सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट विद दिस क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करने वाला है एज आई मैंशन द की आर एंडलोरॉनिक एसिड विच विल हाइड्रेट योर हेयर कोलाजिन विच विल रिस्टोर द लास्ट टी एंड ऑल्सो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो की आपके बालों को एक बहुत ही नेचुरल सी शाइन प्रोवाइड करेगा नाउ प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज कोल्ड और ल्यूक्म वाटर टू शैम्पू यर हेयर बिल्कुल भी गर्म पानी यूज मत करना बिकॉज हॉट वॉटर टेन्स टू ड्राई आउट योर हेयर इवन फॉर दर एंड फिर आपके बाल और ज्यादा फ्रीजी हो जाएंगे नाउ आफ्टर शैम्पू द नेक्स्ट स्टेप हैज टू बी कंडिशनर और हेयर मास्क वट एवर यू प्रेफर आई ऑल्टरनेट बिटवीन अंडिशनर एंड अ हेर मास्क सो फॉर कंडिशनर टूडे आई विल बी यूजिंग द ट्रूथ एंड हेयर हाइड्रोनरिश कंडिशनर फॉर Wavy hair again. This also has a very, very rich and buttery texture. I love the texture in this, and again, it has a very beautiful fragrance. It glides beautifully on your hair, and it will detangle your hair so well. This again has the Power Duo, hyaluronic acid and collagen, which will hydrate your hair, provide a natural shine, and also will restore the elasticity of your hair. While the conditioner is on your hair. टेक अ डीटैंगुलर ब्रश और एनी ब्रश फॉर दैट मैटर एंड दिस इज द टाइम जब आप अपने बालों को अच्छे से कोम और ब्रश करोगे टू डिटैंगल योर हेयर एंड ऑल्सो टू स्प्रेड द कंडीशनर ऑल ओवर योर हेयर इवनली नाउ कीप दिस कंडीशनर ऑन फॉर फोर टू फाइव मिनट एंड देन वॉश इट ऑफ अगेन विथ कोल्ड और ल्यूक्म वाटर डू नॉट यूज हॉट वॉटर एंड वाइल वॉशिंग द कंडीशनर ऑफ अपने बालों को स्क्रंच करना ताकि जितने भी कंडीशनर के गुडनेस है वो आपके बाल अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले आफ्टर शाम माय हेयर फील्स सो नरिश्ड एंड मॉइस्टराइज मैंने इस जो को यूज करके काफी बार अपनी शेयर किया है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती है टू स्टाइल माय हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स तो आजकल कल वेन एवर आई मीन अ रश इन द मॉर्निंग आई जस्ट फॉलो दीज स्टेप एंड देन आई लीव रस्ते में एयर ड्राई होते होते मेरे बाल दे आर सेट एंड सो प्रिटी आई इन्सर्ट अलिप विद माई हेयर जस्ट एयर ड्राइड विदाउट एनी स्टाइलिंग प्रोडक्ट ऑल्सो आई वु लाइक टू मैंशन दैट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे कोई वे अर प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा है बिकॉज आई हैव यूज वेवी है केयर प्रोडक्ट्स इन द पास्ट बट दे they...

आपको नहीं चाहिए कि आपको हर दो तीन दिन में अपने बाल धोने पड़े एंड यू वॉन्ट दैट कर्ल्स एंड वेव्स टू स्टे फॉर लाइक एटलीस्ट टू वीक और सो तो आपको अपने बालों को स्टाइल करना पड़ेगा एंड फॉर दैट यू हैव टू डू दीज टू एडिशनल स्टेप्स तो सबसे पहले आप कोई भी लिव इन क्रीम या लिव इन कंडीशनर लोगे कोई कर्ल क्रीम ले लो एनी क्रीम दैट विल एड मॉइस्चर एक्स्ट्रा मॉइस्चर टू योर हेयर एंड उसको थोड़ा सा पानी के साथ इमल्सिफाई करके यू स्प्रेड ऑल थ्रू योर हेयर इवनली एंड उसके बाद आप ब्रश यूज कर सकते हो टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इवनली या फिर आप अपने हाथों से फिंगर्स से अच्छे से स्प्रेड कर लो नाउ लाइटली स्क्रचा है ताकि जितना भी लिवन क्रीम का मॉइस्चर है वो आपके बालों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए एंड ऑल्सो कर्लक्म्स फॉर्म हो जाए दिस विल एड एक्स्ट्रा मॉइस्चर टू योर हेयर एंड विल कीप योर हेयर फ्रिज फ्री थ्रू आउट द वीक बट टू गिव योर कर्ल्स एंड वेव दो होल्ड ताकि वो वे डाउन ना हो ओवर द वीक कॉल्स वीकुल्रीजी ना हो जाए टू गिव दैट होल्ड टू योर येयर यूल यूज अ हेयर जेल आप कोई भी हेयर जेल यूज कर सकते हो अगेन थोड़े से पानी के साथ इमल्सिफाई करके अपने बालों में अच्छे से स्प्रेड कर लो एंड देन योर हेयर लाइटली ताकि आपके सारे बालों पे जेल कोट हो जाए एंड यूज क्रंच योर हेयर ताकि ऑल द कर्ल्स आर फॉर्मड ब्यूटीफुली आफ्टर दीज टू स्टेप्स यू विल नॉट हैव टू स्टाइल योर हेयर एवरी डे एंड इन फैक्ट एक हफ्ते तक प्रॉपर आई डू नॉट डू एनी थिंग टू माई हेयर एंड माई हेयर स्टे सॉलिड इसके बाद आप अपने बालों को एयर ड्राई भी कर सकते हो या डिफ्यूज भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन वॉट यू प्रेफर एंड आपके पास कितना टाइम है आई यूजअली डिफ्यूज माई हेयर थोड़ा सा लाइक फिफ्टी परसेंट एंड देन आई लेट देम एयर ड्राई इससे डिफ्यूज करने से आपके बालों में वॉल्यूम रिटेन रहता है एंड एयर ड्राई करने से ज्यादा हीट डैमेज नहीं होता वंस योर हेयर इज हंड्रेड परसेंट ड्राई आपके जो जेल है उसका कास्ट बन जाता है बालों में एंड उसके बाद आप कोई भी सीरम या ऑयल की थोड़ी सी ड्रॉप्स अपने हाथों में लेके अपने बालों में इवनली स्प्रेड कर लो एंड अगेन स्क्रंच योर हेयर ताकि सारा जेल का टूट जाए एंड वॉल यू हैव योर वेवी एंड कर्ली हेयर स्टाइल फॉर द एंटायर वीक एंड दीज आर द रिजल्ट लुक एट द ब्यूटिफुल डेफिनेशन दैट माई हेयर हैज एंड ओ माई गॉड देर इज नो फ्रिज व्हाट्सोर एवर आई कैन स्टाइल दम इन एनी वे दैट आई वॉन्ट बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट ड्राई ब्रश योर हेयर अभी जैसे मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं एंड माई हेयर इज ऑल स्टाइल्ड एंड गुड टू गो अब मैं इनमें कंगी या ब्रश बिल्कुल भी नहीं लगा सकती हूँ बिकॉज द मोमेंट आई ब्रश माई हेयर ये सारे कर्ल्स खुल जाएंगे एंड माई हेयर विल प्रण्ड बिकम सुपर सुपर फ्रिजी सो दैट इज समिंग यू शुड नेवर डू दिस एंटायर प्रोसेस माइड सीम अ लिटिल टीडियस एंड टाइम टेकिंग बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा लंबा लगा होगा बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर करके दिखा रही थी हर चीज बट एक बार यू स्टार्ट डूइंग इट एंड यू गेट देंग ऑफ इट इट इज सुपर Easy and quick. क्योंकि किसी किसी दिन वेन माई हेयर वॉश डे फॉल्स ऑन द डे जिस दिन मुझे ऑफिस जाना होता है या कहीं बाहर जाना होता है आई स्टिल मैनेज टू फॉलो द एंटायर प्रोसेस एंड गो टू ऑफिस विद माई ब्यूटिफुल गर्ल एंड ऑल्सो एट द एंड वेन यू गेट दीज ब्यूटिफुल वेव एंड कर्ल्स इट विल ऑल बी बोतेड दैट्स हाउ यू टेक केयर ऑफ योर वेवी और कर्ली हेर स्लीप विदन सो दैट यू वेकअप विथ फ्रेस फ्री ब्यूटिफुल कर्ल्स एवरी मॉर्निंग आई हैव अ लर्न ऑफ अदर टिप्स लाइक दिस फो कॉमेंट्स में बताना इफ यूव एनी अदर क्वेश्चन चेक आउट ऑल द लिंग्स इन the description box below and like share comment and subscribe to the channel i shall see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy